पहुंच गए नाजीन। पूछते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी रफ हालत के साथ हम लोग रत्ती गली झील पहुंच गए हैं। एक तो हाइट भी बहुत ज़्यादा है, बेस कैंप से काफ़ी ट्रैकिंग है। सेकंडली जो है ऑक्सीजन की क्लियर कट सफोकेशन है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। रत्ती गली झील हम पहुंच गए एट लास्ट। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो जो बेचारे कमज़ोर हालात हजरात हैं वो जो है ना खच्चरों पर बैठ के आ जाएँ, जो बेचारे थोड़े से चल सकते हैं वो चल के आ जाएँ खच्चर बन के। तो बहुत खूबसूरत झील है, बर्थ रखती है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। खाने पीने पर लेकर आए उसको तो सामान लेकर आए मिसान, लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया हमें आके। तो ये मुदसर भी है कैसर मेरे साथ जाहिर साहब, ये बहुत ज़्यादा कीमती मोमेंट है और ये मोमेंट जो है ना रोज़ रोज़ नहीं है। तो अभी हम यहाँ बैठेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे, गाने सुनेंगे, झुकते छुकते मारेंगे, बाद देखते हैं क्या करते हैं। हम लोग और नज़दीक आ गए हैं इसके रत्ती गली झील के पास। तो वीडियोस में देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन रियल में ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छा है, एटमोसफेयर है, माहौल है। मियाँ साहब और मुदस्सिर तो चले गए करीब, आ गया समझदार। बेसिकली वो उसके नीचे से हम आए हैं पहाड़ के ऊपर से, इस वाले के नहीं, इसी पहाड़ के ऊपर से नीचे से आए हैं हम। कैसर साहब अपनी अनक भूल गए थे। ये है जनाब रत्ती गली झील। मुशक्कत की एक अंडा खाना तो बनता ही हो बुलावा अंडा। ये अंडा यादगार, ये अंडा उन उन मिजानियंस के नाम जो बेचारे यहाँ नहीं आ सके। गरम अंडे, चीयर्स 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 चीयर्स, ये चीयर्स उनके लिए, उन मिजानियंस जो यहाँ नहीं आ सके और हम आ गए हैं। ये हाशमी साहब के लिए, हाँ सारे यारों के लिए, हाशमी साहब के लिए जो तंग करता रहता है। रत्ती गली पे खड़ा होकर महंगे वाला अंडा खा रहे हैं, प्राइस डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत महंगा, लेकिन डिजर्व करता है। थैंक यू खान साहब, इस जगह पे हमें एंटलीस अंडा तो पहुंचा दिया। खाना बनता है भाई। ये देखो ये अंडा है ना, ये अंडा आओ सिखाओ, ये अंडा और ये क्या अंडा। अंडा मेरा आला, कितने चाहिए भाई, डिस्काउंट कर लेंगे। अंडे के बाद इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, अंडे के बाद कुछ नजर आया, ये अब अंडे के बाद ये चलेगा। बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम गुजर रहा है, वर्थ लगती है ये जगह आना। हम लोग जितना यहाँ पे मेहनत और खर्चा करके आए हैं, खर्चे की खैर है, मेहनत बहुत है, बहुत चढ़ के आना पड़ा, लेकिन मज़ेदार है। तो ये है कि बहुत मज़ा आया, अभी हम बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें टकटक खींच रही हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा बहुत आया। बस अभी बैठे हैं, आगे जाके देखें क्या करते हैं। ब्यूटीफुल Oh, 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 oh
बना इधर से बना रत्ती गली ठंडी यख पीच माल्ट और खूबसूरत व्यू यस गैर कानूनी यार मेरे आजा एक और बना हम लोग इस वक्त रत्ती गली झील पे हैं आज इधर से 21 सितंबर मंडे का दिन 3:10 मैं कैसर जाहिद मुदसर और हो गए पूरे चार ही हैं हम इस वक्त रत्ती गली झील पे हमारे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट है और बहुत अच्छा वक्त गुजर है आ जाओ यार तुम लोग भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ बहुत ठंड है नो डाउट बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं मेहनत से पहुंचे हैं एक्सपेंस लगा के ईच एंड एवरीथिंग करके ये स्पीच मेरी हर साल होती है लेकिन ये स्पीच बहुत जरूरी है ये 14 अगस्त पे होती है स्पीच तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है माशाल्लाह गाइस बिलीव करें इस टाइम हाथ और पांव बिल्कुल यख हुए पड़े हैं आपको क्या बताएं बहुत तेज हवा और ठंडी यख हवा चल रही है पर चस बड़ी आई है लेकिन ये एक यादगार मोमेंट है इसको हम यादगार बना रहे हैं ऑफिशियली हम चारों सौ यहाँ है जो नहीं आए वो पछताए जो देख रहे हैं वो एंजॉय करें बहरहाल यहाँ पे मौसम अच्छा हो रहा है धूप थोड़ी कड़क है लेकिन अच्छा मौसम गुजरा है हमने दबा के एंजॉय करवाई है जंटू हमारे साथ पहली दफा आया है टूर बहुत एंजॉय हुआ है जी और हम तीनों चौथा टूर है हमारा मियां साहब का तीसरा मेरा कैसर चौथा है और हम लोग जो है इधर फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी तक ऑल इज वेट सो फार सो गुड इंशाल्लाह आगे भी अच्छा चलेगा इंशाल्लाह अभी तो और जगह पे जाना है अब हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें थैंक यू इंतजार करें बैठे आप तस्बीह पढ़े बैठ के इंतजार करें इंतजार